आफ्टरनून स्टूडेंट आज हम क्लास 9 मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। अभी ये जो कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके, इसमें पूछा कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। स्टूडेंट ट्रू और फॉल्स की जानकारी आपको तभी हो सकती है जब पीछे जितने भी कंसेप्ट आपको समझाए गए थे, जैसे ये पार्ट 3 लिखा हमने यहाँ पर, जो अब पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो हमने बनाया है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं तो शायद इसको समझने में दिक्कत होगी। जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा, फिर से जो पहला जो हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला, उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट आपने पढ़ा है तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको बड़ा मदद मिलेगा। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। लिखा है ये स्टेटमेंट जो दिया, इसने पूछा हमसे कि बताइए स्टेटमेंट ट्रू है मीन्स सत्य है और फॉल्स या गलत है, ये पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं। चलिए चर्चा करते हैं। फर्स्ट जो है नंबर की, यहां लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। अब यहां एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपको रियल नंबर की जानकारी होनी चाहिए, अगर रियल नंबर की जानकारी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बता नहीं पाएंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। चलिए हम जिक्र करते हैं इसका। लिखा है एवरी पॉइंट ऑन एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में और रेशनल नंबर दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर के बारे में आपको बताया गया, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, वे नंबर जिनको आप फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल जीरो। अब ये ध्यान देना, जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं वो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल नंबर उनको हम कहते हैं जो पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। बट रियल नंबर जब हम पढ़े थे तो रियल नंबर में हमने पढ़ा था ये पूरा ग्रुप यानी कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर हमारा वो नंबर होता है जिसमें हमारे रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या ट्रू है। अब आपसे पूछेगा कारण बताइएगा कि क्या कौन सा कारण है कि इसमें जो हम कह रहे हैं रियल नंबर नहीं, तो आप बोलेंगे जो हमारा रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का एक जो है कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। जो भी नंबर रियल नंबर है वो हमारा रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इस तरीके से ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। चलिए आइए सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। जहां एम क्या हमारा है, एक नेचुरल नंबर है। मीन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कह रहा है कि आपको दिखाना है कि जो है नंबर लाइन पर जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, माइनस रूट एम के। अब आपको ध्यान देना इस बात का कि नंबर ये सेंटेंस आपका साल जो है फॉल्स। कहोगे फॉल्स क्यों भाई, क्योंकि हमारे जो निगेटिव नंबर है वो अभी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हमारा ये नंबर लाइन है, यहां हम जीरो लिखते हैं और जीरो के राइट में जाते हैं तो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट करके आगे, और इसके लेफ्ट में आते हैं नंबर लाइन पे तो -1 -2 -3 -4। ये जितने नंबर हैं ये सारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बट इसमें क्वेश्चन किया
कि इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आपने रिप्रेजेंट किया है वह जो है फॉर्म ऑफ रूट लिख सकते हैं स्टूडेंट। जैसे रूट टू आपने सुना होगा, रूट टू है ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रूट फाइव है ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जो निगेटिव नंबर है जैसे माइनस टू अंडर रूट इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मीन अब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मीन फॉल्स हो गया, क्योंकि जो है नंबर लाइन पर जो भी जो पॉइंट हम रखते हैं वो माइनस रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकते, क्योंकि जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं ये तो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट जो निगेटिव नंबर है वह है इस फॉर्म में मीन रूट के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आइए क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं, एवरी रियल नंबर। अब रियल नंबर का जिक्र करेंगे हम, तो रियल नंबर में हमारा क्या होता है, अभी हमने कहा जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है सबका जो ग्रुप होता है वो हमारा रियल नंबर, और यहाँ कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, यानी सबके सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, ऐसा हमको दिखाना है, तो हम कहेंगे यस स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमारे रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, और ये कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो रियल नंबर में हम क्या है फाइव को भी लिखते हैं, फाइव भी हमारा रियल नंबर है, आप कहेंगे फाइव हमारा इरेशनल है, तो इरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा क्या है रेशनल नंबर है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा क्या है फॉल्स हो जा रहा है। क्या फॉल्स हो गया, जितने रियल नंबर है सबके सब क्या है रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, इसलिए केवल जो इरेशनल होना ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर है वह उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा रियल नंबर वो इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर, यानी एवरी जो है रियल नंबर कैन नॉट बी जो है इरेशनल नंबर, यानी वो रेशनल भी हो सकता है इरेशनल। तो आइए एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, इस आपने समझ लिया होगा रेशनल और इरेशनल के बारे में, अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए तो लिखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, यानी हमको यह बताना है कि ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क आर लिखा हुआ है, ये प्रश्न पूछ रहा है क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो इरेशनल नंबर फाइंड होगा। आगे कहा इफ नॉट, यदि नहीं, अगर ये मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, अगर है तो लिखेंगे, क्वेश्चन कर दिया क्या ऐसा है, यदि है तो भी बताना, अगर नहीं है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दे करके समझाइए कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इरेशनल नंबर, किसी ऐसे एग्जांपल को दे करके बताइए कि वह इरेशनल नहीं है बल्कि रेशनल है। आइए हम कुछ नंबरों पर चर्चा करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 9 और 16 लिया है, आप और भी नंबर ले सकते हैं। अब ध्यान देना है 9 का अंडर रूट किया गया है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, और हम जानते हैं 3 एंड 4 ये दोनों कैसे नंबर हमारे रेशनल नंबर है, यानी जबकि हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो नंबर कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, बट हमने एग्जांपल के तौर पर दो नंबर लिया, एक 9 और दूसरा लिया 6, और इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड किया गया तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, जबकि हमको पहले से पता है 3 और 4 हमारे कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, और जितने भी नेचुरल नंबर है सबके सब क्या होते हैं रेशनल होते हैं, ये सारे नंबर रेशनल नंबर है, इसलिए जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स
आर नॉट इरेशनल, वो इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कुछ नंबर सबके लिए लागू नहीं होता, कुछ नंबर हमारे ऐसे सपोज दैट अभी यहाँ सेवन लिखते थे तो सेवन रूट लिखते तो वो इरेशनल हो जाता, बट नाइन हमने लिया, नाइन ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट थ्री और थ्री हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका आप जवाब दे सकते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी आपको बताया जो पहली और दूसरी वीडियो हमने बनाया है वो ओनली कंसेप्ट है जो हमारा नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां उस वीडियो में दी गई है आप उस वीडियो को जरूर पढ़ें, जाके आगे आ रही एक्सरसाइजों को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। तब तक के लिए।